बस्तर जिले की नगरनार थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित चिलकुटी ढाबा के पास रोड किनारे बस का इंतजार कर रहे दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर उनके पास रखे बैग से लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत का 24 किलो गांजा बरामद कर दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से होने वाले अवैध पदार्थ गांजा की तस्करी को रोकने एवं प्रभावी कार्रवाई करने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के पर्यवेक्षण में एवं नगर पुलिस अधीक्षक दिलीप कोचले के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर तस्करों पर लगाम कस रखी है। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना चिलकुटी ढाबा के पास रोड किनारे बस का इंतजार कर रहे दो युवकों रोहित कटारिया तथा अजय निनामा के बैग की तलाशी लेकर आरोपियों के कब्जे से कुल 24 किलो मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 2,43,000 रुपए है उसे बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को दो अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। कल चिलकुटी ढाबा के पास में ये दो आरोपी, एक का नाम रोहित कटारिया है और एक अजय नीनामा है जो कि धार एमपी के रहने वाले हैं, ये उक्त ढाबा के पास में रायपुर जाने की फिराक में थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जाकर वहां दबिश दिया। पुलिस ने जब उनको जामा तलाशी लिया तो उनके कब्जे से लगभग 25 किलो गांजा जिसका बाजारों मूल्य लगभग 2,40,000 है और उनके कब्जे से दो स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं जिसे प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। 20 का एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है और दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।